सो हाय एवरीवन, वेलकम टू सिनेमा लाइव 33। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जिस वेब सीरीज का रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है जहानाबाद ऑफ लव एंड वार, जिसको आज ही सोनी लिव के ऊपर रिलीज किया गया है, जिसको मैंने कुछ देर पहले देख के खत्म किया है। तो ये सीरीज कैसी है इसके बारे में जानने के लिए आप लोगों को इस वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। तो इस वीडियो को और न देख करते हुए चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो को शुरू करते हैं इस शो की स्टोरी से। शो की स्टोरी जो है 2005 के जहानाबाद की पॉलिटिक्स को फॉलो करती है। तो शो की स्टोरी जो है वो दो पार्ट में चलती है। एक पार्ट जो है वो एक प्रोफेसर और उसकी स्टूडेंट के बीच की लव स्टोरी को फॉलो करता है, और जो दूसरा पार्ट है वो जहानाबाद की पॉलिटिक्स, नक्सलवाद और कास्ट सिस्टम को फॉलो करता है। साथ में शो की स्टोरी में एक अटैक को प्लान किया जा रहा है। तो ये दोनों के दोनों जो एंगल्स हैं वो आपस में किस तरीके से कनेक्ट होते हैं, और जो शो में ये अटैक को प्लान कर रहे हैं उसके पीछे उनका मोटिव क्या है, इन्हीं सब बातों को जानने के लिए आपको सोनी लिव के ऊपर इस शो को देखना पड़ेगा। इसमें आपको टोटल 10 एपिसोड देखने को मिल जाएंगे, जिसका रन टाइम जो है 30 मिनट से लेकर 50 या 54 मिनट के बीच में रखा गया। और ये शो आपको और सोनी लिव के ऊपर हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मराठी, मलयालम सब भाषा में देखने को मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं इस शो की कास्ट के बारे में। इसमें आपको मेन लीड में हर्षिता गौर, ऋत्विक भौमिक, रजत कपूर, साथ में आपको सत्यदीप मिश्रा और परम बत्रा चटर्जी देखने को मिल जाते हैं। यहीं से जो इस शो का इकलौता पॉजिटिव पार्ट निकलता है, देखो वो होगा इस शो में सभी एक्टर्स का काम। चाहे आप बात करो हर्षिता गौर की, जो कि अपने रोल में पूरी तरीके से इस शो के अंदर छाई हुई है, चाहे आप बात करो रजत कपूर की, जिनका काम एज ए पॉलिटिशियन मुझे डिसेंट लगा, चाहे आप बात करो परम ब्रता चटर्जी की, जिनका रोल, जिनका कैरेक्टर कुछ इस तरीके का, जो कि थोड़ा सा शांत है बट उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, उनका काम मुझे देखकर पसंद आया। ओवरऑल सभी एक्टर्स की जो एक्टिंग है वो इस शो के अंदर कमाल की है, सभी एक्टर्स ने अपने काम को बहुत अच्छे से निभाया। तो अब बात करते हैं इस शो के नेगेटिव पार्ट की। देखो इस शो का जो पहला नेगेटिव पार्ट होगा वो ये होगा, इस शो की जो स्टोरी है वो आपको कुछ भी नया प्रेजेंट नहीं करती। आप इससे पहले बहुत सारे शो जो है पॉलिटिक्स के ऊपर, कास्ट सिस्टम के ऊपर, चाहे आप बात करो नक्सलवादियों के ऊपर, सब तरीके के शोज आप पहले देख चुके। तो मुझे इस शो के 10 एपिसोड्स को देखने के बाद भी ऐसा फील नहीं हुआ कि इस शो ने मुझे कुछ नया प्रेजेंट किया हो। इसके बाद जो इस शो का दूसरा नेगेटिव पार्ट होगा, देखो वो ये होगा, जब भी आप कोई ऐसा शो देखते हो जो थोड़ा सा टेंशन वाला हो या जिसमें थोड़ी सी थ्रिल हो, बट ये शो पूरा देखने के बाद आपको कहीं पर भी टेंशन, सस्पेंस फील नहीं होता। पूरे के पूरे शो में सस्पेंस का ग्राफ एकदम फ्लैट रहता है, और शो के अंदर काफी जगह पे ऐसी खिचड़ी पकाई है कि आपको देख के लगता है यार होने दो, मेरा तो कुछ जा नहीं रहा, तो जो हो रहा है शो में होने दो, आप कनेक्शन फील ही नहीं करते शो के साथ। इसके बाद जो इस शो का अगला नेगेटिव पार्ट होगा, देखो शो के अंदर ना कहीं पर भी कैरेक्टर डेवलपमेंट की कोई चीज ही नहीं है। उन्होंने कैरेक्टर को डेवलप ही नहीं किया है कि आपका कैरेक्टर के साथ कनेक्शन फील हो सके। ना तो आपका दीपक कुमार के साथ कनेक्शन बनता है, ना आपका जो है अभिमन्यु सिंह के साथ कैरेक्टर के साथ जो है वो कनेक्शन बनता है, कुछ नहीं। मतलब कुछ भी हो रहा है उनके साथ आपको घंटे का फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद जो इस शो का अगला नेगेटिव पार्ट होगा, देखो वो होगा इस शो की एंडिंग, जिससे मैं पूरी तरीके से निराश हूँ, क्योंकि इस शो की जो एंडिंग है उसको देखकर आपको लाइक फील आता है ये हुआ क्या। मतलब दो ग्रुप्स हैं आपस में लड़ रहे हैं, बीच में एक लड़की खड़ी होती है और लड़ाई ख़त्म। मतलब जो तुम्हारा मोटिव था लड़ने का, इतने से तुम लड़ रहे थे, वो किस लिए? कि एक लड़की आके तुम्हारी फाइट को रुकवा दे। साथ में जो इस शो की स्टोरी है उसके अंदर जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं आपका उनकी तरफ कोई इंटरेस्ट डेवलप नहीं होता। मैं इस शो को रेट करूंगा 2 out of 5 स्टार, और आप लोगों से इतना ही बोलूंगा कि आपको इस शो के ऊपर अपना टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। ये शो आपको कुछ भी नया प्रेजेंट नहीं करता, आप लोगों का टाइम वेस्ट होने वाला है। और साथ में मैं सोनी लिव वालों से एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ यार, आप लोग अगर दिमाग लगाओगे ना थोड़ा सा, तो शो को डार्क कर लेने से शो डार्क नहीं हो जाता। शो के जो मोमेंट्स है, जो सीन है, उसमें इंटेंसिटी होनी चाहिए। आपको इस शो के अंदर कहीं पर भी इंटेंसिटी फील नहीं होती। और एक बात और यार, लाइक आहा जो प्लेटफॉर्म है, फॉर एग्जांपल मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आहा बेकार है, बट आहा तक जो है वो 4K पे शिफ्ट हो गया है। आप अभी भी फुल HD में काम कर रहे हो, और आप लोग 4K पे कब शिफ्ट होने वाले हो भाई? थोड़ी सी क्वालिटी बढ़ाओ अपने शो की यार, नहीं तो हर स्टोरी जो है वो हर्ष मेहता की स्टोरी नहीं होती, जो आपको हर बार 9.5 की रेटिंग देगी। तो मैं पर्सनली इस शो के लिए बहुत एक्साइटेड था, मैं पूरी तरीके से निराश हुआ हूँ। तो ये थे मेरे थॉट्स और मेरा रिव्यू अबाउट द शो जहानाबाद ऑफ लव एंड वार। अगर आप लोगों ने इस शो को देख लिया है, आपको एक शो कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, क्या आप लोग मेरी बात से एग्री करते हो कि नहीं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दो ऐसी वीडियोज़ को देखते रहने के लिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैं ऐसी वीडियोज़ को लाता रहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मैं आपसे मिलूंगा एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, लव यू एंड टेक केयर, एंड कीप वॉचिंग सिनेमा लाइव 33।